ऋषा रवि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। एक तरह से जो उसको लेकर के लोगों की राय है वो दो तरह से डिवाइडेड है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के बड़े लीगल ल्यूमिनरी कपिल सिब्बल साहब है, जिन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट करके अपनी राय इस पर व्यक्त की है। सिब्बल साहब, आपका मैं ट्वीट देख रहा था, आपने इसमें कहा है कि स्टेट क्या डर गया है, और बड़ी बात आप ये लिख रहे हैं कि इज दिस टॉलरेंस, तो आपको क्यों लगता है कि स्टेट टॉलरेंस? ऐसा है कि ये राष्ट्र एक 21-22 साल की लड़की से क्या डरता है, क्या उसके ट्वीट से डरता है? हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो चीन से नहीं डरता ना चीन से, हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। 21 साल की बच्ची, 21 साल की लड़की के खिलाफ आप उसको आप जेल में भेजकर आपको क्या मिलेगा? सर, आर्गुमेंट तो पुलिस का ये है ना कि टूलकिट को स्प्रेड किया, बनाने में भूमिका निभाई, ग्रेटा के साथ पहले से जुड़ी हुई थी। ग्रेटा को बनाना चाहिए ना आरोपी, क्यों नहीं बनाते? अरे भैया, जिसने टूलकिट बनाई उसको तो आरोपी बनाओ। और जो भी इनसे, इन्होंने तो ट्वीट किया ना, किसान स्प्रेड करने में भूमिका निभाई। स्प्रेड तो करना भैया, अगर कोई किसान के साथ खड़ा होगा तो स्प्रेड तो करेगा ना। तो क्या किसान के साथ खड़े होने में, तो फिर जो वहां बैठे हुए हैं, जो लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर उनको आप आरोपी बनाओ उनसे। दे सस्पेक्ट कि सर इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी, तो मैं कह रहा हूं ना, अगर लार्जर कॉन्स्पिरेसी है तो कौन कर रहा है कॉन्स्पिरेसी? ग्रेटा थनबर्ग, तो बनाओ ना उसको। आप डरते क्यों? आप इसलिए डरते हो कि अगर आप उसको बनाओगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बन जाएगा। यहां तो आप किसी को जेल भेज दोगे तो वो बेचारे सालों साल लड़ते रहेंगे, और फिर ये जो डरावा फैला रहे हो जनता के बीच, युवाओं के बीच, कि अगर आप ऐसा कोई सरकार के खिलाफ कोई भी बयान देगो, ऐसा कोई फार्म प्रोटेस्ट जो किसान अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो गए, तो फिर यही आपका नतीजा यही होगा कि आपको भी जेल भेजा जाएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।